ये जो लंबे घने बाल आपको दिख रहे हैं, इसको मेंटेन करने के लिए बहुत सारे हैक्स फॉलो करती हूँ। चलो मेरे फेवरेट हैक्स आपके साथ शेयर करती हूँ। गीले बालों में कंघी कभी मत करना, क्योंकि गीले बाल बहुत ज्यादा फ्रेजाइल एंड कमजोर होते हैं। जैसे ही कंघी करोगे तो कुछ के कुछ बाल हाथ में आ जाएंगे। तो बालों को कंघी करने के लिए बालों के सूखने का इंतजार करना। इंडियन डाइट में बहुत सारे कार्ब्स होते हैं, हमारे बालों को प्रोटीन चाहिए क्योंकि बाल प्रोटीन से बने होते हैं। सो कार्ब को रिड्यूस करके प्रोटीन खाओगे तो बालों की ग्रोथ और भी अच्छी होगी। साथ ही साथ सीड मिक्स एंड ड्राई फ्रूट्स भी खाओ। देखो शूट में बाल मेरे खुले रहते हैं, लेकिन घर पे जब मैं ऑफ कैमरा रहती हूँ तो छोटी बना करके रखती हूँ, लूज छोटी। कितनी बार आपको बताया, क्योंकि खुले बाल बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। आयुर्वेदिक नुस्खे DIY हेयर टॉनिक लगाने के बाद भी आपके बाल बहुत ज्यादा टूट रहे, तो एक बार चेकअप करा लो। आपकी बॉडी में अगर किसी विटामिन मिनरल की डेफिशिएंसी होती है तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। तो आप कौन कौन से टेस्ट करा सकते हो? विटामिन B12, विटामिन D। सर्दियों में गर्म पानी से नहाते वक्त कैरिड अवे हो जाते हैं, गर्मा गर्म पानी बालों पे भी लगा लेते हैं। नहीं भाई, या तो रूम टेम्परेचर बहुत ठंड रहेगा, निकल पाओगे तो ल्यूक वार्म वाटर आप यूज कर सकते हो। बहुत गर्म पानी बालों में लगाओगे तो बाल बहुत ही डैमेज होते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब।